इस बिगुन दी नाड़ी की जनरली जो माना जाता है डेवलप जो डेवलपमेंट की थी या जो इन्होंने जिसने इनिशिएट किया था टेक्निक को, जिन्होंने बढ़ावा दिया था, तो नाड़ी ज्योतिष बिगुरंती से पार्ट ऑफ नाड़ी ज्योतिष नाड़ी बहुत सारी होती है, चंद्र नाड़ी, शुक्र नाड़ी, बुध नाड़ी और अगस्त्य नाड़ी, बहुत सारी नाड़ी होती है, बहुत सारी होती है। उनमें से एक बिगुरंती नाड़ी है जो कि आरजी राव साहब ने इसके ऊपर रिसर्च किया था, काम किया था, और उन्होंने थोड़ा सा इस पर काफी कुछ इन्होंने ध्यान दिया। और बिगुरंती नाड़ी का एक अच्छा बेनिफिट ये है कि बिगुरंती नाड़ी के अंदर कोई भी दशा द्विजन चार्ट को और इन सब चीजों को ध्यान ज्यादा ध्यान मद्देनजर नहीं रखा जाता, और ना ही बिगुरंती नाड़ी के अंदर डेट ऑफ बर्थ का बहुत ज्यादा वेरिएशन अगर आ जाए, मतलब फॉर 10 15 20 मिनट का वेरिएशन आ जाए, एज फार एज उसके भाव चेंज नहीं हो रहे, भाव चेंज नहीं हो रहे तो ज्यादा उसमें भी फर्क नहीं आता इसके अंदर बिगुरंती के अंदर। ठीक है, अभी बिगुरंती नाड़ी के अंदर तीन चार चीजें और इंपॉर्टेंट है। बिगुरंती नाड़ी के अंदर जैसे हम डिपार्टमेंट डे डिपार्टमेंट भी कहते हैं, देव ग्रह या राक्षस ग्रह, देव ग्रह में पता सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु होते हैं, राक्षस ग्रह में पता है शुक्र शनि बुध राहु केतु राक्षस ग्रह की श्रेणी में आता है, ये हमें पता है। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं बिगुरंती के अंदर, बिगुरंती डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी के होने के बावजूद भी सूर्य प्लस बुध को, ये आप लिख लीजिए एक्सेप्शंस, ये काम आएंगी बिगुरंती के अंदर, क्योंकि जब हम गणना करेंगे 1 2 3 5 7 9 11 12 से जब गणना करेंगे तो ये काम उस टाइम पे आएंगी। सूर्य प्लस बुध की अगर गणना में कनेक्टिविटी आ जाती है बिगुरंती के अंदर, इट इज कंसिडर्ड टू बी फ्रेंड्स इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दे आर बोथ डिफरेंट डिपार्टमेंट। इसी तरह मंगल और शुक्र ये न्यूट्रल माने जाते हैं, गुरु और शुक्र न्यूट्रल माने जाते हैं, गुरु और शनि न्यूट्रल माने जाते हैं। ठीक है, शनि और राहु, शनि और राहु न्यूट्रल माने जाते हैं बिगुरंती के अंदर, और गुरु और बुध, गुरु और बुध यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, गुरु और बुध वैदिक के अंदर गुरु बुध को इकट्ठा नहीं माना था, बट बिगुरंती में गुरु एंड बुध को दोस्त माना जाता है। तो जो थोड़ा परिवर्तन है यहाँ पे कि गुरु और शुक्र न्यूट्रल माने गए, गुरु और बुध दोस्त माने गए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कंसिडर करने के लिए। इसी तरीके से शुक्र और केतु दुश्मन माने जाते हैं, दे आर एनिमी टू इच अदर, शुक्र और केतु, शनि और केतु दे आर ऑल्सो कंसिडर टू बी एनिमी टू इच अदर, बुध और केतु इज ऑल्सो कंसिडर टू बी एनिमी टू इच अदर। तो इवन दो केतु राक्षस ग्रह के श्रेणी में आता है, लेकिन केतु राक्षस ग्रह आने के बावजूद भी अपने ही डिपार्टमेंट में शुक्र शनि और बुध तीनों के साथ कनेक्टिविटी के अंदर एनिमी माना जाता है, क्योंकि ये माना जाता है केतु किसी भी चीज की ग्रोथ को वहां पे रोक देता है, वहां पे उसको मेटलिस्टिक वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करता है। इसलिए बिगुरंती के अंदर केतु की कनेक्टिविटी किसी भी प्लैनेट के साथ जब आती है तो उस प्लैनेट के साथ कनेक्टिविटी को हम अच्छे से नहीं देखते, उसको हम तकलीफ से देखते हैं। ठीक है, ये बिगुरंती का एक इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट रूल, बिगुरंती के अंदर स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, किसी प्लांट की स्ट्रेंथ को निकालने का तरीका क्या है, कि स्ट्रेंथ मजबूत है या वीक है, इसके मैं कुछ रूल्स लिखवा रहा हूँ, वो आप रूल्स चाहे तो लिख लें, नहीं तो मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से शेयर भी कर दूंगा, ये मतलब एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा जिससे आपको ये रूल मिल जाएंगे, अगर समझ सके तो समझ ले पहले आप। हाँ, दो साइड है, एक है स्ट्रांग और एक है वीक, एक है स्ट्रांग और एक है वीक। अगर प्लैनेट एग्जॉल्टेड है तो स्ट्रांग एक नंबर देंगे हम, अगर प्लैनेट डेबिलिटेड है तो उसको 0 नंबर देंगे हम। इसमें गणना करेंगे नंबरों के माध्यम से कि 1 नंबर मिला या 0 नंबर मिला, जिसको जितने ज्यादा नंबर मिलेंगे वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, अब एग्जॉल्टेड है तो 1 नंबर मिला, डेबिलिटेड है तो 0 नंबर मिला, अगर प्लैनेट दोस्त साइन में है तो 1 नंबर मिला, अगर एनिमी साइन में तो 0 नंबर मिला, अगर प्लैनेट दोस्त प्लैनेट के साथ एसोसिएट है तो नंबर 1 मिला, अगर प्लैनेट एनिमी प्लैनेट के साथ एसोसिएट है तो नंबर 0 मिला, अगर प्लैनेट दो दोस्त प्लैनेट के बीच में है तो नंबर मिलेगा, अगर प्लैनेट एनिमी प्लैनेट के बीच में है, आजू बाजू के भावों में एनिमी प्लैनेट है तो 0 मिलेगा, अगर प्लैनेट अच्छे दोस्तों के साथ कंजेक्ट में आ रहा है, यानी कि 1 2 3 5 7 9 11 12 में आ रहा है तो नंबर 1 मिलेगा, अगर प्लैनेट एनिमी प्लैनेट के साथ कंजेक्ट में आ रहा है, या एस्पेक्ट बोल रहे आसान तरीके से आप, एस्पेक्ट में आ रहा है तो नंबर 0 मिलेगा। अगर प्लैनेट विनिंग है, विनिंग होता है यहाँ पे डिग्री से, जिसकी डिग्री ज्यादा होती है वो जीतता है, जिसकी डिग्री कम होती है वो हारता है, अगर प्लैनेट यहाँ पे विनिंग डिग्री में है तो उसका नंबर मिलेगा 1, अगर प्लैनेट यहाँ पे हार गया तो उसका नंबर मिलेगा 0, अगर प्लैनेट अपने साइन का है तो उसका नंबर मिलेगा 1,
अगर प्लैनेट यहाँ पे कंबस्ट है, सूर्य के साथ कंबस्ट होता है, कंबस्ट हुआ तो नंबर मिलेगा 0। तो ये सात पैरामीटर है जिसके मुताबिक हम नंबर की गणना करते हैं। बीगनोंदी में ये देखते हैं कि प्लैनेट को नंबर स्ट्रांग मिल रहा है या वीक मिल रहा है, ये दो तरीके हैं। ये बात क्लियर हुआ सबको? तो इसकी हम एक सर इसके अंदर एक्सोल्टेशन डेब्लिटेशन ये सारे तो वही रूल्स होंगे ना वैदिक वाले? हाँ, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रूल दो इसमें ऐड हुए, तीन ऐड हुए बल्कि इसके अंदर। एक तो हुआ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 से एस्पेक्ट, ठीक है, वो फ्रेंडली है या एनिमी है, वो इम्पोर्टेंट रूल ऐड हुआ इसमें। दूसरा रूल ऐड हुआ विनिंग, यानी कि पैरेंट की डिग्री ज्यादा है या कम है, दूसरा रूल ये इसमें ऐड हुआ। तो इसमें ये दो रूल ऐड हुए। और तीसरा इसके अंदर एक रूल ऐड होता है कि प्लैनेट दोस्त प्लैनेट के बीच में है या एनिमी प्लैनेट के बीच में है, ये तीसरा रूल इसमें ऐड होता है। तो ये तीन की वजह से नंबर विनिंग उसमें द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट डिफर्स, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट प्लैनेट डिफर्स। सर इसमें डिग्री कितनी देखेंगे, कितनी ऊपर तक की? अगर अगर डिग्री ज्यादा है तो वो विनिंग है, अगर डिग्री कम है तो वो हार गया उससे, सिंपल है, ठीक है, चाहे वो एक ही डिग्री क्यों ना हो, ठीक है। बिगनोंदी के अंदर हर प्लेनेट के अपने कारक हैं, उसी कारक के अनुसार उस व्यक्ति के हम चेक करेंगे कि कैसे उसकी प्रोफेशन चल रही है या एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल बुध है, बुध एजुकेशन का कारक है, बुध एजुकेशन का कारक है। बुध के लिए सबसे खराब प्लेनेट दो प्लेनेट है, मंगल और केतु, मंगल और केतु। अगर व्यक्ति के बुध के साथ कोई कनेक्टिविटी बनती है मंगल और केतु की 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 में, तो उसकी एजुकेशन में दिक्कत आएगी। अगर नेटल चार्ट के अंदर बुध केतु की कनेक्टिविटी बन गई 100% 5, 9, 2, 5, 9, 75%, अगर ये कनेक्टिविटी बन गई तो आप मान के चलो उस व्यक्ति की एजुकेशन लाइफ के अंदर अच्छी नहीं आएगी।